स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपने 9th क्लास में जो है बेसिक्स में पढ़ रखा होगा, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट ना करते हुए मैं थोड़ा आपको इजी कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। केमिस्ट्री इज़ ए वेरी वेरी ईजी सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल जो एटम होता है, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। कोई भी जो एटम है उसका जो फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी एटम की आप अरेंजमेंट देखते हो तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, वो उस एटम के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करने का मतलब चक्कर लगाता है। एंड जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो जो है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब किसी भी एटम पे जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, उसका मतलब न्यूट्रल है। इट मींस क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होंगे उतने ही नेगेटिवली चार्ज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन शॉर्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन पे ही डिपेंड करता है। मास नंबर जिस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं क्योंकि जो आपका एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट इन केस अगर मैंने कहा कि सोडियम है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसमें क्या है 11, लाइक मैं इसको ऐसे कहूँ कि मेरे पास सोडियम है। सोडियम में क्या है कि उस सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। 11 होने का मतलब इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट अगर सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देता है और सोडियम पॉजिटिव बनाता है, तब भी इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11 है। इट मीन्स किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो टोटली जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। तो डायरेक्टली वो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी अगर कोई भी एटम है आयन बनाता है, कटायन अनायन, मतलब कटायन का मतलब धनात्मक आयन, अनायन का मतलब ऋणात्मक आयन। जो बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं बेटे, चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी कोई एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और जब कोई भी एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेता है, सपोज करो क्लोरीन था, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कटायन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। ठीक है, अब इस जो कटायन होता है हिंदी में, इसको धनात्मक आयन आपने पढ़ा हुआ है और ये ऋणात्मक आयन आपका होता है। तो उसका किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर किसी चीज़ का एटॉमिक मास, जिसको आप मास नंबर कहते हैं, वैसे एटॉमिक मास और मास नंबर स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो निकालने के लिए आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल थे जिनकी हमने बात करी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके डिस्कवरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं स्टडी ऑफ कैथोड रेज। विलियम क्रूक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1879 में इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्शन को देखा एक गैशियस में से लो प्रेशर पे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक जो है ट्यूब ली, वो ऐसे ही मतलब ऐसे एक ट्यूब ली जो दोनों एंड से क्या थी आपकी, ऐसे बंद थी, जिसको उसको क्रूक्स ट्यूब बोला। क्या बोला उन्होंने, क्रूक्स ट्यूब बोला, कि डिस्चार्ज ट्यूब ली जो दोनों एंड से बंद थी। ही द ट्यूब वो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो 60 सेंटीमीटर लंबी थी और फिटेड विथ टू मेटल इलेक्ट्रोड, और उसके एंड में यहाँ पे क्या थे, दो मेटल के इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। इलेक्ट्रोड जो छड़ें लगी हुई होती हैं, आप एनोड कैथोड की बात करते हो, तो दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे आपके क्या थे, लगे हुए थे। ठीक है, द ट्यूब इज़ कनेक्टेड टू वैक्यूम पम्प। अब ये जो आपके ट्यूब थी इसको कनेक्ट किया यहाँ पे, जो है आपका एक वैक्यूम पम्प लगा दिया यहाँ पे। वैक्यूम पम्प जो होता है, वैक्यूम पम्प एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको अगर आप चाहो तो आप उससे अकॉर्डिंग जो है प्रेशर को इस ट्यूब के अंदर कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे वैक्यूम पम्प
लगाया टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब. दिस ट्यूब आल्सो कॉल्ड द क्रूक्स ट्यूब, क्योंकि विलियम क्रूक्स ने किया था तो इसको क्रूक्स ट्यूब भी दिया. जब इसके अंदर उसने हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट सप्लाई किया इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो क्या रिजल्ट है, मतलब उसके बाद क्या किया इन्होंने, इसको हाई वोल्टेज से जो है वो कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज से लाइक आप लगा लो यहाँ पे जो वोल्टेज हुई अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट से कनेक्ट किया. तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन वहाँ पे आई वो हम आगे डिस्कस करते हैं. देखो मैंने आपको डायग्राम वैसे तो बना के दिखाया था रफली कॉपी के अंदर, बट यहाँ पे भी डायग्राम बना हुआ है कि उसने एक रेक्टेंगुलर ट्यूब लिया, उसको क्रूक्स ट्यूब बोला, डिस्चार्ज ट्यूब, इसके दोनों एंड पे मेटल की प्लेट्स लगाई और फिर उसको जो नेगेटिव से किया वो कैथोड है और पॉजिटिव से जो अटैच किया टर्मिनल से वो एनोड है और वैक्यूम पंप लगाया. तो व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज़ 1 एटमोसफियर, ये जो आपकी ट्यूब है जब इस ट्यूब के इनसाइड का जो प्रेशर था 1 एटमोसफियर था, एटमोसफियर जो होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है, नो करंट फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड, उस टाइम इन दोनों इलेक्ट्रोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था. व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस टू अबाउट 10^-2 एटमोसफियर, अगर हमने प्रेशर को कम किया, रिड्यूस करने का मतलब कम किया, कितना कम किया, 10^-2 एटमोसफियर किया, और कम कैसे किया बेटा, ये वैक्यूम पंप यूज़ करके, तो जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में और वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हो गया, ग्लो का मतलब चमक. व्हेन द प्रेशर इज़ फर्दर रिड्यूस टू अबाउट 10^-4 एटमोसफियर, जब प्रेशर को फिर से रिड्यूस किया 10^-4 एटमोसफियर तक, तो जो ग्लो था इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो डिसअपियर हो गया, लेकिन जो करंट था वो कंटिन्यू क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था. इफ़ ए परफोरेटेड एनोड इज़ यूज्ड, परफोरेटेड एनोड का मतलब जैसे आपने यहाँ पे एनोड लिया है, तो परफोरेशन का मतलब जो मैं एनोड लूँ यहाँ पे, जो एनोड मतलब अगर मैं यहाँ पे दूसरी ट्यूब ड्रॉ करूँ ऐसे, तो कैथोड तो एज इट इज़ लगा दी उन्होंने, लेकिन जो यहाँ पे एनोड ली वो परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब कि होल वाली एनोड ली, ऐसे उसमें क्या रखा, होल, होल का मतलब क्या होता है, परफोरेशन. तो यहाँ पे बोला उन्होंने कि अगर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक परफोरेटेड एनोड लिया, जैसे कि आपका परफोरेशन के लिए अगर आप थोड़ा देखना चाहो तो जो आपका LPG गैस का चूल्हा होता है घरों में, उसमें जो है बर्नर लगे हुए होते हैं, उसमें जैसे वो होल से होते हैं कुछ उस तरह का परफोरेशन, तो उसने परफोरेटेड एनोड यूज़ किया. अ फेंट ग्रीनिश ग्लो इज ऑब्जर्व ऑन द ग्लास वॉल बिहाइंड द एनोड, तो एनोड के पीछे ये जो वॉल है यहाँ पे क्या आया, ग्रीनिश कलर का क्या आया आपका ग्लो, वहाँ पे चमक सी, एक ग्रीन कलर की फेंट का मतलब हल्की सी वहाँ पे ऑब्जर्व की गई. दिस शोज दैट सम इनविजिबल रेज आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड पास थ्रू द होल ऑफ एनोड एंड स्ट्राइक द ग्लास वॉल. यहाँ से कंक्लूजन निकला कि इट मींस जो आपकी कैथोड थी यहाँ से कुछ रेज निकल रही थी और जो एनोड का जो होल था उससे होती भी जा रही थी और यहाँ पे जो ट्यूब थी उसकी वॉल के साथ क्या कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी. दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज, इन रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज बोला गया. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा सीधी लाइन में चलती हैं. इफ़ ए लाइट पैडल व्हील माउंटेड ऑन द एक्सेल प्लेस इन देयर पाथ द व्हील बिगन रोटेट दिस शो दस कैथोड रेज मेड ऑफ द मटेरियल पार्टिकल. सपोज करो ये रेज यहाँ से जा रही हैं और यहाँ पे आपने क्या रखा, एक व्हील रख दिया, मतलब ऐसे चक्के से होते हैं कुछ ऐसे व्हील रख दिया, तो जब ये रेज जाएंगी तो वो क्या करेंगी, ये जो व्हील होगा उसको क्या कर देंगी, ऐसे रोटेट कर देंगी, उसको क्या कर देंगी, पंखा जो लगा होगा यहाँ पे वो क्या करेगा, घूमेगा. तो इससे पता चलता है कि जो आपकी कैथोड रेज होती हैं वो मटेरियल पार्टिकल से होती हैं, क्योंकि अगर मटेरियल पार्टिकल नहीं होता वहाँ पे तो उसको रोटेट नहीं करती. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो जो कैथोड की रेज होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, डिफ्लेक्शन का मतलब उसकी तरफ मूव करना, तो अगर कोई चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रही मतलब वो क्या है, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट चार्जर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. इट मीन्स कि कैथोड रेज के ऊपर चार्ज किया है नेगेटिव. दीज रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, इन रेज का क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट का मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली आप इसको स्ट्राइक करोगे तो वो सर्फेस थोड़ा टाइम बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है. फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी अफेक्ट करती हैं और इनकी पेनेट्रेशन पावर होती है कि किसी भी मटेरियल को उसकी आर पार जो होती हैं ये क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं. तो
ये आपकी कैथोड रेस के बारे में बताया, हम डिस्कवरी कर रहे हैं नोट की। तो ये जो आपने रिजल्ट लिखा, कैथोड रेस की प्रॉपर्टी लिखी, तो उससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो? कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, वो मटेरियल पार्टिकल से बनी होती हैं। कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रही, मीन्स उनके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। द नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूशिंग द कैथोड रे आर कोल इलेक्ट्रॉन, कि वो मटेरियल जो नेगेटिवली चार्ज कैथोड के अंदर पड़ा हुआ है, जिससे उससे एक पार्टिकल नेचर का पता चलता है, उस पार्टिकल को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस के 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम जो होता है बेटा, वो चार्ज की यूनिट होती है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या डिफाइन किया गया कि एन इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी 1 unit नेगेटिव चार्ज एंड हैज़ ए मास नियरली इक्वल टू द 1/1837 दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसका मास जो होता है, अगर आप हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है उसका 1/837 पार्ट लेते हो, तो वो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। एक्चुअली में ये जो एक्सपेरिमेंट था वो ये विलियम क्रूक्स में कम्प्लीटली इसको जो है किया नहीं था, इसमें जो है बाद में जे जे थॉम्सन ने किया है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो जाता है सर जे जे थॉम्सन। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, तो योर आंसर विल बी सर जे जे थॉम्सन। क्रूक्स ने जो है बेटा एक्सपेरिमेंट जो है स्टार्ट करके सारे रिजल्ट दिए थे, बट अल्टीमेट उस पार्टिकल का नाम रखना, उसके बारे में जो भी डिटेल निकालना, मतलब ये जो आया था कि ये जो सारा रिजल्ट है वो थॉम्सन ने दिया था, तो थॉम्सन ने कंक्लूड किया था, तो इसलिए जो है आपको ये हम कहते हैं कि इन्होंने किया था। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि 9 जो आपका पेपर जो होता है वो 11th का भी बोर्ड कंडक्ट करता है। तो पहला तो कुछ ऐसा पैटर्न था कि ये डिस्कवरी में से कुछ नहीं आता था, बट जो लास्ट ईयर पेपर अभी हुआ रिसेंटली, उसमें कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ बच्चों के पास 3 marks में आ रखी थी। तो प्लीज़ इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं करोगे और अच्छे से करोगे, होप सो ये एक टॉपिक समझ में आ गया। अगर मैं आपको एक एक टॉपिक ही करवाऊँगी, ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए बेटा। तो आप लोग जो है वीडियो देखिएगा, जो भी आपके फीडबैक्स होंगे मुझे बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।